और इस बीच खबर पानीपत से सामने आ रही है। सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। पानीपत रिफाइनरी के यार्ड में कर्मचारी की मौत का एक मामला सामने आया है। रेल लाइन पर काम करते समय पैर फिसल गया, मालगाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा जाएगा शव को। जीआरपी ने परिजनों के बयान पर कार्रवाई भी की है। पानीपत रिफाइनरी के यार्ड में कर्मचारी की मौत का यह मामला, जहां रेल लाइन पर काम करते समय कर्मचारी का पैर फिसल गया, मालगाड़ी की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कर्मचारी के शव को भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पानीपत रिफाइनरी के यार्ड में कर्मचारी की मौत का ये मामला है, जहां रेल लाइन पर काम करते समय कर्मचारी का पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई है। रेलवे लाइन पर काम कर रहा था कर्मचारी, पैर फिसला, मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी ने परिजनों के बयान पर एक्शन लिया है और आगे की कार्रवाई भी इस मामले में शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पानीपत से ये मामला जो है वो सामने आया है। पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी इस मामले पर? जी देखिए, जिस तरीके से रेलवे के कर्मचारी थे और रिफाइनरी के यार्ड पे काम करते थे रेलवे लाइन पे, और जिस तरीके से मौत हुई है उसको लेकर लगातार जो है परिजनों ने जो है संदेश जताया है, उसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल अब देखना यह है कि इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। पूरी जानकारी में क्या निकलकर सामने आया है? बताया जा रहा है कर्मचारी काम कर रहा था जिस दौरान पैर अचानक से फिसल गया। जी जी बिल्कुल, ये परिजनों ने यही संज्ञान में डाला है पुलिस के, जो उनके जो इसमें काम कर रहे थे वो लगातार जो रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे, काम करने के बाद उनका पैर फिसला और अचानक जो है आगे से मालगाड़ी आने से जो है दुर्घटना हुई है। तो इसी को लेकर जो है पुलिस जांच भी कर रही है, और अब इसमें देखना है कि वो क्या कुछ इसके बाद जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ पुलिस कार्य इसमें कार्रवाई करती है। जितेंद्र, ये भी पता चल पाया है क्या, जब कर्मचारी काम कर रहा था रेलवे लाइन पर तो और भी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उसके साथ, या वह अकेला था? देखिए, इसमें ये सूचना आ रही है, परिजनों ने जिस तरीके से सूचना दी है पुलिस को कि वो अकेले ही काम कर रहे थे, क्योंकि मेंटेन का काम रहता है और जिस तरीके से रेल की पटरियां हैं उस पर लगातार जो है रेलवे कर्मचारी जो है दूरी दूरी पर काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से पैर फिसला या कुछ और अचानक है, ये जांच का विषय है। इस मामले में लगातार जो है जीआरपी जो है वो जांच भी कर रही है और उसके बाद ही कुछ निकल पाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो अब जांच शुरू हो चुकी है, देखने वाली बात होगी जांच के बाद और क्या सामने आता है।